नगर पंचायत सुन्नी में सतलुज नदी पर बनी झील में जलस्तर घटने के बाद जमा हुई रेत को अवैध तरीके से जेसीबी मशीन द्वारा निकालने का मामला सामने आया है। खनन माफिया खुलेआम जेसीबी से खनन कर टिप्परों और पिकअप में रेत भरकर बेच रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से जब इस विषय में बात की गई तो उन्होंने बताया कि माइनिंग विभाग द्वारा नदी किनारे पकड़ी गई रेत की दो ढेरियों की नीलामी की गई थी, जिसे 15 दिन में उठाने के लिए कहा गया था, परंतु इसकी आड़ में आईटीआई सुन्नी के नजदीक सतलुज नदी के किनारे जमा रेत को जेसीबी लगाकर उठाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है, सुन्नी थाना से महज 1 किलोमीटर दूर ये सब चल रहा है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए सुन्नी से हरीश गौतम।